आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा। ऊष्मीय प्रभाव में क्या था, जब किसी तार से करंट जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इन सब चीजों में करते हैं। मगर आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब है जब किसी तार से हम लोग करंट देते हैं तो वो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस घटना को सबसे पहले 1820 ईस्वी में वैज्ञानिक हैंस ऑस्टेड ने एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैटरी से एक तार यानी कि एक प्रतिरोध को जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जब भी इस प्रतिरोध से करंट जाता है प्लस से माइनस की तरफ, मतलब तो नीचे के डायरेक्शन में करंट जाता है, तो इसके सामने या इसके नीचे अगर हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये असल में चुंबकीय सुई से हम कह सकते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल को बतलाता है। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर उसका नॉर्थ पोल डायरेक्शन है, ये एरो का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और करंट हम इससे ऊपर से नीचे की तरफ दे रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि वो अपने बाई तरफ विक्षेपित हो जाता है। करंट इस दिशा में आ रहा है तो वो अपनी बाई तरफ, मतलब ये नॉर्थ पोल वाला जो है एरो, ये थोड़ा सा इस दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। ये क्यों विक्षेपित हो रहा है, क्या कारण है इसका, एक चुंबक दूसरे चुंबक से ही प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब अगर ये एक चुंबक है तो इसके सामने भी एक चुंबक ही रखा गया है, लेकिन अगर हम इस करंट को ऑफ कर दें तो ऑफ करने के बाद देखेंगे इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब हम इस तार में करंट दे रहे हैं तब तक के लिए ही ये चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे ही हैंस ऑस्टेड ने कहा कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में ये जो विक्षेपण हो रहा है, इस विक्षेपण को हम लोग एम्पियर के तैरने के नियम से हम लोग जानेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर के तैरने का नियम। इस नियम को इस चित्र के द्वारा समझिए। यहां पर देखिए थोड़ा मैंने उल्टा किया है, ये माइनस को ऊपर है, ये प्लस नीचे रखा है, तो करंट क्या हुआ, इस दिशा से आकर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये करंट जा रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो मैग्नेट को भी मैंने उल्टा ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ रखा है। तो अगर हम इसे इस तरह से करंट देंगे, नीचे से ऊपर करंट जाने का मतलब है ये जो नॉर्थ और साउथ जो है, ये नॉर्थ पोल इसका बाई तरफ विक्षेपित होगा। इसे हम लोग समझने के लिए एक नियम लगाते हैं जिसे एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। एम्पियर ने क्या कहा कि अगर हम करंट की दिशा में, ये देखिए करंट की दिशा में अपने आप को तैरता हुआ मान ले, मतलब करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हमारा मुंह इधर है और पैर इधर, हम इस तरह से हम तैर रहे हैं, तो जब ऐसे तैरता हुआ मान लेंगे तो हमारा जो बायां हाथ होगा, ये जो बायां हाथ है लेफ्ट हैंड, ये जिधर मूव करेगा वो बायां हाथ का मूवमेंट ही ये उत्तरी ध्रुव के विक्षेपण को प्रदर्शित करता है, मतलब हमारा बाई दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव विक्षेपित होता है। यही है एम्पियर के तैरने का नियम। उन्होंने क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति को धारा प्रवाह की दिशा में, अगर धारा प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये दिशा में मानेंगे, तैरता हुआ माना जाए तो व्यक्ति का बायां हाथ चुंबकीय सुई, ये जो चुंबकीय सुई है इसे उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव जिधर विक्षेपित होता है दक्षिण ध्रुव ठीक उसके उल्टा, तो उत्तरी ध्रुव अगर बाई तरफ हो रहा है तो दक्षिण ध्रुव किधर हो रहा है, दाहिनी तरफ होगा, उत्तरी ध्रुव के विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा। अगर हम करंट की दिशा को बदल दे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम करंट की दिशा को जैसे यहाँ पर था ऊपर से नीचे की तरफ कर देंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर ये हम मैग्नेट को उसी तरह से रखते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ है, मैग्नेट को हमने इस ऊपर ही रखा हुआ है, तो इस दिशा में हम क्या करेंगे, अपने आप को नीचे की तरफ तैरता हुआ मानेंगे, तो नीचे की तरफ तैरता हुआ मानेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड क्या होगा, उस तरफ हो जाएगा, तो ये उत्तरी ध्रुव अब इस तरफ ना होकर अब इस तरफ विक्षेपित होगा, मतलब ये अपना इस डायरेक्शन में दाहिने तरफ में, मतलब नॉर्थ के इसके हिसाब से देखिए, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, तो अपने राइट हैंड की तरफ वो विक्षेपित होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, बस अपने आप को उस तार की दिशा में तैरता हुआ मान ले, आपका जो बायां हाथ होगा वही उसके विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं, हर एक चुंबक का एक आकर्षण या विकर्षण क्षेत्र होता है। अगर हम कोई एक चुंबक के सामने, मान लीजिए एक चुंबक है
ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। इसके सामने जब कोई दूसरा चुंबक लाते हैं तो ये चुंबक या कोई दूसरा चुंबक के पदार्थ लाते हैं तो ये चुंबक अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसमें इसमें अलग सेम पोल में विकर्षण होता है, और अगर ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा अपोजिट पोल्स हो जाएंगे तो इसमें आकर्षण होगा, मगर कितनी दूरी तक होगा। अगर हम इसको बहुत दूर पर रखेंगे तो इसके और इसके बीच में कोई आकर्षण या विकर्षण काम नहीं करेगा। तो एक चुंबक का एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो अपना बल दूसरे से दूसरे को आकर्षित कर सकता है। तो मान लेते हैं ये इस चुंबक का ये एक क्षेत्र है, ये दोनों तरफ बराबर होगा, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, ठीक है। ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी चुंबकीय पदार्थ या दूसरे चुंबक को रखने पर दूसरे चुंबक पर इस चुंबक का प्रभाव पड़ेगा। अब है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो और हम एक चीज को गौर करेंगे कि अगर इसको दूर पर रखते हैं यहां पर रखते हैं तो जो बल कार्य कर रहा है अगर यहां पर लाएंगे तो वो बल अधिक होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये असल में एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान देंगे काल्पनिक, यहाँ कोई बना हुआ नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम लोग मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है। अब इसे हम लोग कैसे पता करते हैं, तो इसको पता करने के लिए हम एक चुंबकीय सुई लेंगे। ये चुंबकीय हम सुई लेते हैं तो चुंबकीय सुई का ये अगर नॉर्थ है और ये अगर साउथ है तो सामने जब हम रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो साउथ है ये नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ जो है उससे दूर चला जाएगा क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ये जो ठीक उल्टा हो जाएगा, ये एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा मैग्नेटिक लाइंस की वजह से, और ये ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ हो जाएगा। इस तरह से जब यहां भी सजाएंगे तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे नॉर्थ जो वो साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा और साउथ यहां पर रहेगा। यहां जब लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां जब लगाएंगे तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, यहां जब लगाएंगे तो नॉर्थ ऐसे आ जाएगा। तो ये एक लाइन की तरह देखिए बन रहा है, यहां से अगर हम सबको मिलाते हुए बनाएंगे तो ये ऐसे लाइन बनेगा, ये साउथ की तरफ वापस आएगा। डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, और अंदर में मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। तो एक चुंबक का जो चुंबकीय बल रेखा है उसको अगर हम बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं, ये मेरा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ एक वक्रकार पथ में आती हैं बिना कहीं मुड़े हुए, परफेक्ट वक्र है ये। ये डायरेक्शन देखिए इसका, एक और अगर बनाए यहां से डायरेक्शन ध्यान देंगे, इसी तरह से नीचे की तरफ भी होगा। नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ। तो ये ध्यान देंगे जितना पोल्स के नजदीक है दोनों तरफ ध्रुवों के जो नजदीक है ये ज्यादा घना है, यहां पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स बहुत क्लोज है, बहुत घना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण और विकर्षण इसी पॉइंट्स पे काम करता है। हम लोग जानते हैं अगर ये एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के सिरों पर इसकी चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा अधिक होती है और उसके ठीक ऊपर लंबवत सबसे कम होती है। इस तरह से ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जितना ज्यादा घनी होंगी उस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी अधिक होगी। और एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना कि ये दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, मतलब अगर हम एक दूसरा रेखा बनाए तो ये कभी भी ऐसे नहीं जा सकती है, यहाँ पर कहीं कट नहीं होगा, इसको ध्यान रखें कट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कट हो जाए तो उस एक खास पॉइंट पे दो दिशाएं मिल जाएंगी हमें, एक दिशा ऊपर की तरफ और एक दिशा ये, और चुंबकीय बल रेखाओं की सिर्फ और सिर्फ एक दिशा हो सकती है। क्योंकि जब इसे मैंने बनाया तो आपको एक प्रयोग के द्वारा बताया कि ये अगर यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय सुई का जो ये उत्तरी ध्रुव था उसी को ना हम लोग प्लॉट कर रहे थे, तो उत्तरी ध्रुव किधर जाएगा, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एक ही चीज एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग दिशाओं को नहीं दिखला सकती है, वो हमेशा एक ही दिशा को दिख ली, या तो इधर या तो इधर। इसीलिए माना जाता है कि चुंबकीय बल रेखा वो कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है।